भावना न्यूज एंड पूनम शर्मा। NTA ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट परीक्षा की आंसर की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जारी किया है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे आधिकारिक वेबसाइट पर जरूरी डिटेल्स एंटर करके आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे दिए गए डायरेक्ट स्टेप्स को फॉलो करके भी कार्ड को डाउनलोड किया जा सकता है। NTA ने जारी नोटिफिकेशन में कहा है कि अगर कोई आंसर गलत पाया जाता है तो फिर इसके लिए वे आपत्ति उठा सकते हैं। अभ्यर्थियों को 17 अक्टूबर 2021 तक का मौका दिया गया है। आवेदक 17 अक्टूबर रात 9 बजे तक NEET UG के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अभ्यर्थियों को शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। प्रोसेसिंग शुल्क ऑनलाइन प्राप्त किए बिना किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अभ्यर्थी एक और बात का ध्यान रखें कि आपत्तियों को किसी अन्य मोड के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रोविजनल आंसर की के साथ साथ OMR शीट और रिस्पॉन्स शीट जारी की गई है। गौरतलब है कि नीट परीक्षा का आयोजन देश भर में मेडिकल कॉलेज में UG मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए किया जाता है। बता दें कि नीट UG परीक्षा का आयोजन 12 सितंबर 2021 को आयोजित की गई थी। वहीं इस भर्ती परीक्षा से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। फॉर आर्थोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज़।